तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे पीएम मोदी। जनविश्वास रैली को लेकर बोले पीएम मोदी, अपने विपक्ष के हमले का पीएम उठा रहे फायदा। जंगलराज के युवराज से अब कोई उम्मीद नहीं बची। औरंगाबाद और बेगूसराय की रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया, तो 2 मार्च को पटना की जनविश्वास रैली ने पीएम मोदी को ऐसी बात बोल दी कि उन्होंने इसे अब जन आंदोलन बना दिया है। कम से कम सोशल मीडिया पर तो यह देखने को मिल ही रहा है। न केवल भाजपा नेताओं बल्कि कई आमजन भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी की यह खासियत है कि वह खुद पर किए हमलों को कवच बना लेते हैं और उसके बाद वार कर सामने वालों को शब्दों से घायल कर देते हैं। 2024 से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने अपने इन जादुई शक्ति से विपक्ष को नंबरों के मामले में घायल कर दिया था और महागठबंधन के जबड़े से जीत खींच कर ले आए थे। 2020 में पीएम मोदी ने 3 शब्दों से ही पूरी बाजी पलट दी थी, हालांकि मामला काफी नजदीकी का रहा था। पीएम मोदी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर की रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज कहा था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 15 साल के राज को जंगलराज और तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज बताया। पीएम मोदी ने तब लोगों से कहा था कि जंगलराज वालों के ट्रैक याद रखें, ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में जीना मुहाल हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार की तो लगा था कि महागठबंधन एनडीए पर हावी हो चुका है, पर तभी पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और अपनी ताबड़तोड़ रणनीतियों से तेजस्वी यादव का पूरा खेल बिगाड़ दिया। तेजस्वी यादव के बारे में पीएम मोदी ने कहा, जंगलराज के युवराज से अब कोई उम्मीद नहीं है, उनकी पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। पीएम मोदी ने कहा, अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए तो सरकारी नौकरी तो भूल जाइए, प्राइवेट नौकरियां भी हाथ से चली जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, जिस पार्टी के पास किडनैपिंग का कॉपीराइट है उसके संरक्षित लोग जबरन फोन कॉल कर रंगदारी मांगेंगे। पीएम की इस रैली के बाद माहौल एकदम से बदल गया और फिर रिजल्ट क्या आया था ये आप सभी जानते हैं। इस बार भी पीएम मोदी बार बार जंगलराज का जिक्र कर रहे हैं। जंगलराज और परिवारवाद, इन दोनों शब्दों में से लालू यादव और परिवार और कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि परिवारवादी पार्टियां केवल अपने बच्चों का विकास करती है। पीएम मोदी यह कहते नहीं चूकते कि जंगलराज में केवल एक परिवार का विकास हुआ था और अब पूरे देश का विकास हो रहा है। एक तरफ वे लालू का डर और खौफ दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर वे नीतीश कुमार और खुद की सरकार में कराए गए कामों को भी गिना रहे हैं। वे बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत सुविधाएं, शौचालय, रसोई गैस, जनधन योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास आदि योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी ओर वे जंगलराज का जिक्र कर रहे हैं। यह पीएम मोदी की खास रणनीति है, वे लालू राज की तुलना आज के खुद के राज से कर रहे हैं। पीएम मोदी की कोशिश यही है कि लालू राज के समय का डर दिखाकर नए वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो नए वोटर तेजस्वी यादव के रोजगार और नौकरी के दावे और वादे में इधर उधर खिसक जाएंगे। इस तरह पीएम मोदी तेजस्वी यादव के सबसे मजबूत हथियार को कुंद करना चाहते हैं, जो तेजस्वी यादव दावे के साथ कर रही है।